बिग बॉस 13 में जहां बीते दिन बॉलीवुड स्टार्स ने किया घर वालों के साथ धमाल, तो वही वाइल्ड कार्ड की एंट्री के साथ घर में मच गया बवाल। हाय दोस्तों, वेलकम टू बिग बॉस अड्डा। मैं हूं आपके साथ यास्मीन और मेरे साथ है प्रशांत और तन्वी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल के एपिसोड में देखा गया था कि नए वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है, जिनका नाम है विशाल आदित्य सिंह, जिनके आते ही घर में काफ़ी कुछ धमाल देखने को मिला है। लेकिन इन सबसे पहले जान लेते हैं प्रशांत से कि कल के एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिला। यासमीन, कल का एपिसोड और परसों का एपिसोड, दोनों वीकेंड का बार के एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। सैटरडे को जहां सलमान खान ने माहिर और पारस की काफ़ी डांट लगाई बीते एपिसोड्स में जो टास्क हुआ था उसको लेकर के, वहीं कल का एपिसोड में सलमान ने किसी की डांट नहीं लगाई। उन्होंने खुद बोला कि परसों मैंने तुम लोगों को बहुत डांट दिया है, आज मैं नॉर्मल रहूँगा। तो कल के एपिसोड में काफ़ी सारे टास्क हुए। एक शावर वाला टास्क जो कि हर हफ्ते हर वीकेंड का बार पे होता है, वो इस बार जोड़ियों में हुआ। उस टाइम पर काफ़ी लोग हंसे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। फिर उसके बाद घर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और रितेश देशमुख भी अपनी मूवी मरजामा को प्रमोट करने आए थे, उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी सारे टास्क दिए। तो उस टास्क के दौरान भी लड़ाइयाँ हो गई, जैसे शेफाली जरीवाल और देबोलिना आपस में भड़क गई एक दूसरे को लेकर के, उनके बीच में लड़ाइयाँ देखने को मिली। और सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि का भी एक देखने को मिला, उन्होंने बोला कि अब मैंने तुमसे सीरियल में शादी की थी, रियल में शादी नहीं करी है। तो इस चीज़ को लेकर के रश्मि भड़क गई। तो कल का एपिसोड और परसों का एपिसोड, दोनों ही वीकेंड के बाद के एपिसोड्स बहुत धमाकेदार रहे। तन्वी, कल देखा होगा तुमने भी कि नए वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई है विशाल आदित्य सिंह, तो उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? उनके आने से के घर में काफ़ी कुछ अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। यास्मीन, उनकी जो एंट्री हुई है ना, वही मैं बोलती हूँ धांस हुई है, क्योंकि देखा जाए तो कॉन्ट्रोवर्शियल है वो एकदम विशाल, क्योंकि नच बलिए में उनकी जो गर्लफ्रेंड थी मधुरी माँ, उनके साथ उनके काफ़ी लड़ाई झगड़े देखने को मिलते थे। इवन प्रशांत भी जानता है कि हमने देखा है कि वो जजेस से भी भिड़ जाते थे, रवीना टंडन और के साथ भी वो भिड़ते नज़र आते थे। तो वो कहीं ना कहीं अब शो में आगे, जैसे उन्होंने आते हिंदुस्तानी भाव से पंगा ले लिया कि तुम्हारी पोल गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ते, जब उन्होंने गुब्बारा फोड़ा उसके बाद में आरती सिंह से भी पंगा लेते हुए बोला कि तुम ट्रस्ट करने लायक नहीं हो, और पारस को भी कहा तुम कन्हैया नहीं हो जो तुम अपने आप को कृष्ण समझते हो घर के। तो आते ही उन्होंने पंगा तो ले लिया है, सबसे ज़्यादा जो लिया है वो हिंदुस्तानी भाव से लिया है। तो मैं यही बोलूँगी उनके आने से काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं घर में। अब देखना ये है होगा कि अब वो आगे जाके क्या गेम अपने प्लानिंग के से क्या आते हैं, क्योंकि उनको नच बलिए में देखा गया है कि वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो अब देखना काफ़ी इंटरेस्ट होगा। इवन सलमान ने भी ऐसा कहा था प्रशांत कि मतलब बदतमीजी करके कोई इतना फेमस हो जाएगा मुझे अब देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? डेफिनेटली कहीं ना कहीं सलमान उनकी खिंचाई भी कर रहे थे, लेकिन जिस हिसाब से उनकी एंट्री हुई है विशाल की, वो वाकई में कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन है। जैसे कि उन्होंने जाते ही, तुमने देखा हो तो उन्होंने टॉप टॉप लोगों को ही टारगेट बनाया, और उन्होंने रश्मि को जा करके बोला कि तुम टारगेट करती हो सिद्धार्थ को, उन्होंने सिद्धार्थ को बोला कि तुम बहुत बदतमीजी से बात करते हो, उन्होंने भाऊ को बोला कि तुम्हारे अब पर्दे खुलेंगे, तुम्हारी असलियत सामने आएगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा उन लोगों से पंगा ले लिया है कि जो सबसे स्ट्रांग है। रही उनकी हिंदुस्तानी भाऊ की, तो विशाल ने उनसे सही पंगा लिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाऊ को जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अभी तक किसी को गाली नहीं दी है, किसी पे टैंपर उनका हाई नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब विशाल के आने से कहीं ना कहीं उनका जो एक और चेहरा पीछे, नकाब के पीछे है, वो भी देखने को मिलेगा, जो कि ऑडियंस मिस कर रही है देखने के लिए। तो ये भी चीज़ भाऊ की देखने को मिलेगी। वहीं अब विशाल को लेकर, वो एक स्ट्रांग कंटेंडर तो है ही है, इसको लेकर के अब घर में जो दो ग्रुप्स भी बटे हुए हैं उनमें भी चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं कि आखिर विशाल किसकी टीम में जाएगा। हाँ, बिल्कुल यास्मीन, जैसे कल के एपिसोड में हमने एंड में देखा था, अरहान खान बात कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे, ये खुद देख ले, ऑब्जर्व कर ले कौन कैसा है, उसके बाद देखते कौन वो किसकी साइड। तुम्हें क्या लगता है कि वो किन के ग्रुप में जाना पसंद करेंगे, या फिर अपना ही एक ग्रुप ना बना ले वो? हाँ, मैं यही बोलने वाली थी यासमीन, मुझे तो लगता है विशाल ना किसी के ग्रुप ग्रुप में नहीं आने वाले, वो अपना एक ग्रुप बनाने वाले हैं। और अब हमें घर के अंदर तीन ग्रुप दिखने वाले, एक पारस झाबड़ा का, एक विशाल का, और एक तो है सिद्धार्थ शुक्ला का। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो विशाल है वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, उन्हें किसी के अंडर आने की या किसी के पीछे पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसी पर्सनैलिटी कि वो खुद से एक ग्रुप फॉर्म करेंगे और उसी में पता नहीं किस किस को अपने झांसे में फंसाने वाले हैं। मुझे तो ये मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक रोमांस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीते एपिसोड में मैंने इवन कमिंग अप में देखा कि बाकी के घर वाले जो हैं वो उसको आरती को बोल रहे हैं कि वो तुझे पसंद करता है, वो तुझे देख रहा है ये और वो। तो कहीं ना कहीं आरती और विशाल के बीच में एक रोमांस भी देखने को मिल सकता है। तो
काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। रही बात जैसे कि उन्होंने बोला कि तीसरा ग्रुप भी बन सकता है, डेफिनेटली तीसरा बन सकता है। विशाल ने जिस तरह से हिंदुस्तानी भाव को कहा था कि आपका पर्दाफाश होने वाला, देखा था तुमने कि उनका फेस बन गया था हिंदुस्तानी भाव। डेफिनेटली उन्होंने ये चीज बोली भी थी कि मेरा दिल तुमने दुखा दिया, तो कहीं ना कहीं अब जब वो है ना, जब शेर के मुंह में हाथ दोगे तो वो तो अब अपना दिखाएगा ही ना, घुर्राएगा ही, क्या पूरा वार करेगा, तो कहीं ना कहीं भावों को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कम जैसे अब आने वाले जो टास्क भी होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं भाव सिद्धा उसको विशाल को टारगेट करते नजर आएंगे। और विशाल भी जैसे कि तन्वी ने बताया कि वो बाकी जो शोज में आ चुके हैं, जैसे नच बलिए के दौरान भी जजेस से वो ना सिर्फ लड़ते थे बल्कि डांस करते करते उन्होंने बीच में टास्क भी अपना वो डांस परफॉर्मेंस भी रोक दी थी मधुरिमा के साथ लड़ाई करना, इवन उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। दोबारा वो शो में आए हैं तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। बात यही है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड जो उनका लव इंटरेस्ट है उनके साथ वो इतनी बदतमीजी कर सकते हैं, या इनके बीच में इतना सबको हमें देखने को मिला था नचपली में, तो अब बात मेन ये है कि वो घर के अंदर तो ऑब्वियसली किसी को कुछ नहीं। अब तक ऐसा देखा गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडेंट बन के दिख रहे थे सबके सामने, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब भारी ना पड़ जाए उनके ऊपर। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विशाल जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई है, उन्होंने आते हिंदुस्तानी भाव से पंगा ले लिया, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को टक्कर दे सकते हैं। मैं भी ये बोलना चाहता हूँ जैसे कि कबीर सिंह नच बलिए के कबीर सिंह अब आ रहे हैं बिग बॉस में, कबीर सिंह तो कबीर सिंह मूवी भी हमने देखी है, पता है कि शाहिद कपूर का एग्रेशन, किसी की ना सुनना, अपनी चलाना, गुस्सा वो साफ दिखता है, और वो उनको टैग मिला है कबीर सिंह का, तो वो बिग बॉस के घर में भी अगर अपना कबीर सिंह वाला एटीट्यूड दिखाते हैं तो डेफिनेटली ना सिर्फ भाव को सिद्धार्थ शुक्ला को भी हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि वो फिजिकली काफी स्ट्रांग है, तो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला है वैसे ही विशाल भी फिजिकली स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं टास्क कितनी बार देखा है सबसे बात करते हुए, अरे यार ये दो एक साथ हैं ये ऐसे कर देंगे, अब विशाल भी इनके साथ आ गए, तीन मिलकर के यार हम पे ऐसे कर सकते हैं, मैं अकेला, तो कहीं ना कहीं वो खुद को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं आसिम कि अभी तक तो मैं ही था, अब तो ये तीन तीन अगर एक साथ मेरे पे आ गए तो मेरा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी ये है कि विशाल किस टीम में जाएंगे, तो ये वाकई में इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि विशाल सिद्धार्थ की टीम में जाते हैं या पारस वाली टीम में आते हैं, फिर खुद की ही अपनी टीम बनाते हैं। वेल तो दोस्तों ये तो बात हो गई विशाल आदित्य सिंह की, जिन्होंने कल काफ़ी कुछ अलग धमाल किया है घर में आते साथ। अब बात कर लेते हैं वीकेंड का वार की, जब प्रशांत तुमने देखा होगा कि सलमान ने शुक्ला को लेकर कहा था सभी घर वालों से कि वो अकेले ही इस ग्रुप को चला रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे तुम? डेफिनेटली सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बोलते हैं, बात करते हैं, वो मुझे उनका बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुझे एज अ कंटेस्टेंट बेकार लगते हैं, बहुत स्ट्रांग कंटेस्टेंट हैं। इवन जैसे कि तुम बोली रही हो कि उन्हीं के आगे पीछे चल रहा है, तो चल रहा है, कहीं ना कहीं सब उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जैसे कि कल रितेश और सिद्धार्थ एक टास्क लेकर आए थे, अपनी भड़ास निकाली थी, तो उस दौरान भी ज़्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला को ही बुलाया था अपनी भड़ास निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट से कुछ है ही नहीं सिद्धार्थ को पकड़ने के अलावा, क्योंकि उनसे उन बहस करेंगे तो दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं सब सिद्धार्थ के पीछे पड़े हुए हैं। सलमान ने माहिरा को कहा था कि नौटंकी मत करो मेरे सामने इस तरह से, तो इस पर क्या कहना चाहोगे तुम? यास्मीन मैं इसमें एक ही चीज़ बोलूंगी कि जो हमें देखने को मिला वीकेंड के बारे में, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की भी गलती थी, माहिरा की भी गलती थी, लेकिन जब सलमान खान ने सिर्फ माहिरा को टारगेट करा और उन्हें कहा कि अपनी ये नौटंकी मत दिखाओ, जब वो रोने लगी थी, तो मुझे लगता है कि नौटंकी नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं वो सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट करती हैं, ये हमें साफ साफ दिखाई देता है कि वो हर मुद्दे पर सिद्धार्थ शुक्ला को। माहिरा का कहने का मतलब था यहाँ पर कि उनका अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर अग्रेशन वो टास्क वो भी कर रहे थे माहिरा भी कर रही थी। तो यास्मीन मैं वही बोलना चाहूंगी, जो बोरी वाली बात हुई थी सलमान खान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर फोर्स दोनों तरफ से लगेगी तो वो जब खींचेगी तो वो ऑब्वियसली गिरेंगी माहिरा, तो मुझे लगता है कि उस वक्त माहिरा को मैं ये नहीं बोलूंगी हट जाना चाहिए था टास्क से, जैसे सलमान खान ने किया कि उनको हट ही जाना चाहिए था, इवन गौहर खान ने भी इस चीज पे सपोर्ट नहीं किया सलमान खान को, उन्होंने यही कहा कि वो क्यों हटती है और ये सब इतना अग्रेशन दिखाना जरूरी नहीं है। वही मैंने ट्विटर पे हमने ट्रेंड होते देखा कि सलमान इज बायस्ड, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी बस कि जहां पे माहिरा गलत थी उस पे, तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों मेरे को जितना लगता है वो बराबर। मैं भी यही चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कि अगर 100% है तो अगर 60% माहिरा गलत है तो 40% सिद्धार्थ शुक्ला की भी गलती है। आक्रामक होना, इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, मतलब जीतने के लिए कुछ देखना ही नहीं, इतना ज्यादा एग्रेशन कि सिर्फ जीतना है तो आसपास सब कुछ छोड़ देना, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं सलमान खान को सिद्धार्थ, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग शुक्ला को वो बोरी छोड़ देनी चाहिए थी? बोरी छोड़ने के लिए मैंने नहीं बोला है, ये बात सही है, यहाँ पे
यहाँ पे माहिरा की गलती है, इफ अगर वो नहीं कर पा रही थी, वो नहीं खींच पाती तो वो हट जाती, और कोई भी हो चाहे इसमें लड़का लड़की की बात ही नहीं है। शो में अगर सब एक साथ आए, सब की क्वालिटी बराबर है, सब बराबर ही है, लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हाइपर और टैम्पर हो जाते हैं। शहनाज ने भी यही बात बोली थी कि अगर मुझे पता है कि एक बंदा स्ट्रांग है और मैं उसके आगे नहीं टिक पाऊंगी तो आप वहां से हट जाओ, क्योंकि आपको वो कर सकता है, वो आपको हर्ट कर सकता है। लेकिन शहनाज की मुझे बात सही लगी, और माहिरा को पता भी है कि सिद्धार्थ शुक्ला टास्क के दौरान बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन स्टिल वो उनके पास ही जाती हैं बार बार। सलमान का ये कहना था यहाँ पर कि सभी घर वालों को कहीं ना कहीं चोटें लगी हैं, तो इस चीज को माहिरा ने जो हाईलाइट किया वो सही था कि नहीं? माहिरा ने हाईलाइट इसलिए भी किया क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं पटती है, वो माहिरा से सीधा मुंह बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, अगर उनके साथ उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो और थोड़ा बड़ा चढ़ा करके बोलेंगी, जिसके लिए सलमान खान ने उनकी डांट भी लगाई। प्रशांत, एक बार देखा गया था कि माहिरा ने बहुत प्यार से उनसे बात करी थी जब चॉपिंग वाला सीन हुआ था, तो उसपे सिद्धार्थ शुक्ला रूडली उनसे बात करते हैं, तो माहिरा कहीं ना कहीं कोशिश कर रही थी कि वो नॉर्मली उनसे बात करे, लेकिन जो सिद्धार्थ शुक्ला वो एफर्ट ही नहीं लेते हैं किसी से बात करने का। वहाँ पर माहिरा ठीक थी, लेकिन वही जो एग्रेसिव वाली बात थी, वो जैसे कि अभी बताया भी तन्वी ने कि सोशल मीडिया पर बायस्ड सलमान खान, होस्ट बाय सलमान खान करके चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, 2-3 दिन से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दर्शक भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान है कि सलमान खान इतना बायस्ड, मतलब वो अभी तक जितने भी एपिसोड हुए होंगे शायद एक आधी बात थोड़ा बहुत उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को बोला होगा, उसके अलावा उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा बहुत बोलते ही कब है। हाँ। सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ मैंने अभी तक सलमान खान के मुंह से कुछ नहीं सुना, वो बस आते हैं बोलते हैं तुम एग्रेसिव हो जाते हो, तो मैं बस यही चीज अपनी ठीक करनी है, बाकी सब ठीक है, तुम ना एग्रेसिव हो जाते हो, तो मुझे नहीं लगता सलमान खान अभी तक गुस्से में आके उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ बोला। पारस छाबड़ा को मैंने कई बार देखा, उनको सलमान खान उन्हें काफी बार बोल देते हैं, कुछ भी करते सही, लेकिन वो इस तरीके का एग्रेशन और इस तरीके की जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला करते हैं उस तरीके से वो नहीं करते हैं, भले ही पारस से अच्छा सिद्धार्थ गेम खेल रहे हैं, लेकिन जो चीजें सिद्धार्थ शुक्ला कर देते हैं वो पारस नहीं करते हैं। कोई भी लड़की उनको लेकर के बिल्कुल भी इनसिक्योर फील नहीं करती है, जिस हिसाब से बाकी की लड़कियां सिद्धार्थ को लेकर के कहीं ना कहीं बोल देती हैं। वेल तो अब जाते जाते जान लेते हैं तन्वी से कि कल अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। यास्मीन, आज का जो एपिसोड आएगा उसमें नॉमिनेशन टास्क होगा, जिसमें दो कंटेस्टेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कॉल करेंगे और कन्विंस करना होगा कि तुम नॉमिनेट हो जाओ मेरे लिए। तो आज रश्मि और पारस के बीच में जो हमने देखा अपकमिंग में वो यही था कि वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो और आरती के बीच में और विशाल के बीच में थोड़ा ऐसा होगा रोमांस वाला देखने को मिलेगा आज के एपिसोड में यही। इसके अलावा भाऊ और विशाल सिंह आमने सामने होंगे वोटिंग पर, तो जिस दौरान विशाल उनको कन्विंस करेंगे तो वो बोलेंगे भाऊ के तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने मुझको ऐसी बात बोली, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के उनके बीच में वहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है, तो आज के एपिसोड में काफी धमाल हो सकता है। वेल तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि बीते दिन की सारी हाइलाइट्स की, अब वैसे आपको क्या लगता है, क्या घर वालों पर विशाल आदित्य सिंह भारी पड़ने वाले हैं या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिग बॉस का अड्डा देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।